नमो नमः नमस्सर्वेभ्यः नमांसि भूयांसि संस्कृत मंत्रालयस्य साहित्य अकाडमी पक्षतः समर्प्यमाणः आंतर्जालिक साहित्य व्याख्यानमाला अंतर्गतः कार्यक्रमाय स्वागतम्। अद्य वयं सर्वे संस्कृत साहित्य मंच कार्यक्रमः द्रक्ष्यावः। अस्मिन् कार्यक्रमे ज्ञानवदान्यः श्रीमान् हर्षदेव माधव महोदयः, सम्मान्यः श्रीमान् डीवी नरसिंह दीक्षित महोदय, मान्य श्रीमान प्रसून दत्त सिंह महोदय च रूपेण त्रयः कविशेखराः सन्। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट श्री हर्षदेव माधव जी। डॉक्टर हर्षदेव माधव जी इज एन एमिनेंट पोएट, संस्कृत स्कॉलर, शॉर्ट स्टोरी राइटर, ड्रामेटिस्ट, एडुकेशनिस्ट, हु राइट्स इन संस्कृत, गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। Authored more than 150 books so far. He has presented 120 research papers and delivered 80 guest lectures on different aspects of literature. For all his poetry contribution, he was bestowed with many awards. Out of them, some of them are Kalpavali Award in the year 1997, Akhil Bharatiya Kalidasa Award in the year 2002, Ramakrishna Academy Award in the year 2006, and Sahitya Academy Award in the year 2006, Gujarat Sanskrit State Sanskrit Academy Award, and Gujarat State Academy Gaurav Puraskar, etc. Now, may I request Dr. Harshadev Madhavji to share the Sanskrit poetic fragrance with all of us. Dr. Harshadev Madhavji. Corona Mahamari mein Sanskrit Sahityakar देशवासियों के स्वास्थ्य और निरामयत्व की कामना करते हैं और साहित्य अकेडमी को वंदन करके मैं मेरा काव्य पाठ शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम एक मेरा परिचय है। अपरिचितो व्योमनिस्तारकः एष परिचयो मे। आकाश का एक अपरिचित तारा, यह है मेरा परिचय। गुह गवेशाम खेलंती संध्यकाले गगनवर्णाः, आंख मिचोनी खेल रहे हैं संध्या के समय आकाश के रंग। कभी कभी आकाश को कोरा देख के मन उदास हो जाता है, तब ऐसा होता है कि उनको मैं हरा रंग से रंग दूं। हरित वर्णे निक्षिप्तो मिच्छाम्यहम् रिक्तम् गगनम्। और प्रेम तो गुलाबी ही कहा जाता है। पाटल गजम आरुह्य मेनुरागः प्राप्तस्त्वद्दारी। गुलाबी हाथी पर बैठकर मेरा अनुराग आ गया है तेरे द्वार पर। पर ये मुलायम हाइकू आप देखिए। अमाया दीनम नभु याचते द्युतिम माम कुटीरस्य। अमावस का जो गरीब आकाश है वो मेरी कुटीर से मेरे दिए का तेज मांग रहा है। पीड़ा घातक गुली कहा, पेन किलर्स। जब हम पेन किलर्स लेते हैं तो हमारा पेन तो कम नहीं होता, पेन हम भूल जाते हैं कुछ समय के लिए। वो पीड़ा तो वहीं रहती है, पर संसार के सुख भी पेन किलर जैसे है, ऐसा इस कविता का भाव है। यथा पीड़ा घातक गुली कहा, पीड़ाम न नाशयंती किंतु विस्मारयंती पीड़ाम काललयम् यावत् पुनरपि पीड़ा तथैव तिष्ठति प्रतीक्षमाणा पीड़ाघातक गुलिका प्रभाव नाशार्थम् तथैव संसार सुखानि विस्मारयन्ति संसार पीड़ां शाश्वतीं काललवम् यावत्। दुख तो वैसे ही रहते हैं, केवल हम सुख के समय दुख को भूल जाते हैं, वही बात है। अब गूगल में एक GPS आता है जिसमें हम बाहर जाते समय अपनी स्थिति देख सकते हैं, कहाँ जाना है वो डेस्टिनेशन का स्थान देख सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे काव्य में ये GPS किस तरह चालू करना है। चल दूरभाषे GPS वैश्विक स्थिति सेवाया प्रारंभम कृत्वा ज्ञातुम कामये मे स्थितिम। क्या GPS मेरी स्थिति बताएगा कहाँ पर है वो? तदा पठ्यते मया गंतव्य स्थानम डेस्टिनेशन कुत्र इति।
विचार मूढ़ो हम मान चित्रम स्पृशामी सत्यम न दृश्यते श्रद्धा मानचित्र सिमनी नास्ति असत्यम दृश्यते किंतु मार्गो न दृश्यते। जीपीएस प्रेम का तो स्थान ही नहीं बता पाता, प्रणयस्य स्थानम अपि नास्ति। मानवताया संकेतम न जानन्ति सेवादातारः त्वमपि, अब बात रही तेरी, तू कहां पर है जीपीएस में, त्वमपि न दूरे न समीपे न स्वप्ने न जागरितावस्थायां न शब्दे न संकेते नोद्घोषणापि भवति तव विषयका। गूगल ये भी नहीं बता रहा है कि तुम कहां पर है। अहम अन्ते ममेव वैश्विक स्थितिं ज्ञातुं प्रयते तदापि निराश्यं प्राप्यते। मम पुत्रको सहसा वदति तात त्वं प्रौढोसि न जानासि जीपीएस चालन कौशल्यम इति। बहुत समीचीनं महाभागा, प्रेषित महाभागा स्वागतम्। नमस्कार। कोरोना काले, कोरोना के समय जब हम घर में कैद हो गए तो घर कैसा लगता है, एक बहुत ही काव्यात्मक चिंतन है ये कविता। गृहस्य न केवलम वित्तयः गृहस्य हृदयमपि भवति इति ज्ञातम्। मुख्य कक्षे ड्रॉइंग रूम में स्वर्गस्थ पिता महिया नेत्रयोर द्रष्टः स्नेहः अमृतः। पितामही पृच्छते अद्यापि मे मुखं पूर्ववत्। अभी वो स्वर्गवासी हो गए तो भी मेरी पितामही वैसे ही देख रही है जैसे वो पहले देखती थी। पत्या निर्मितं भोजनं मिष्टतरं प्रतिभाति घटिकायंत्रस्य जागरणार्थं साध्वस्वध्वनिं विनापि भवति प्रातः। देखिए कैसी बात है, एलार्म के बिना भी सब सुबह तो होती है, वो अब मालूम हुआ। गृह कार्य चिंता मुक्तो बालकः क्रीडनके सह अन्विष्यति स्वप्नान्। वृद्ध पितुः बलिभिराक्रांतं मुखं दृष्ट्वा ग्लानिम् अनुभवति मद् उपेक्षा भावः। मैंने देखा ही नहीं कि मेरे पिता के चेहरे पर कितनी बलिया आ गई है। तिमिरेण भूपितयोः पत्याः अस्तयोरपि गृह कार्कस्य मिश्रितः प्रेम्णा स्पर्शः। उपनेत्रेण दूरी कर्तव्यास्ति कार्यालय चिंता। ये चश्मे बाजू में रख दिए और कार्यालय की चिंता भी गायब हो गई। देखिए कई आनंद है कोरोना में। उपनेत्रेण दूरी कर्तव्यास्ति कार्यालय चिंता दूरभाषेण संबंधानां विस्तारो ज्ञायते किंतु कक्षत्रये सीमितोस्ति वर्तमानः। वर्तमान तो तीन खंडों में केवल विभक्त है और कहीं बाहर नहीं है, क्या दुनिया है। ईश्वरार्थम अपि कतिपया क्षणा सुलभा जाता। हाँ, अब ईश्वर याद आ गया, जो इस रोजिंदा दौड़ दाड़ के जो जीवन है, बिजी लाइफ है, उसमें ईश्वर नहीं याद रहा था, अभी ईश्वर भी याद आ गया। ईश्वरार्थम अपि कतिपया क्षणा सुलभा जाता गृहस्य म्लान प्रकाशे विश्वस्य तेजोमयं दर्शनं म्लानतरं जातं गृहं विना अज्ञातः अभविष्यत् जीवितार्थः। अगर मैंने घर नहीं जाना हो तो मैं जीवन ही नहीं पता, ऐसा मुझे कोरोना ने अनुभूति करवाई। अब ये कोरोना पर हास्य कविता है। संक्षिप्तेन समापनं करो तुम। एक अंतिम कविता है कोरोना लाभाः। अवश्य अवश्य। हम कहते हैं कि भी हम खाली हाथ आते हैं, हम खाली हाथ जाते हैं। कोरोना ने सारी दुनिया बदल दी है। आप देखिए, रिक्त हस्तौ धनिम लेभे रिक्त हस्तौ दिवम गतः आभाणकोस्ति प्राचीनो व्यर्थो रोगवशात गतः। पहले ऐसा कहा जाता था खाली हाथ गया, ऐसा नहीं, ये जाता है लोग। नयन्ति ते दिवम सार्धम स्पर्श मात्रेण सज्जनाः संबंधिनोपि गच्छन्ति दिवम सार्धम ही लीलया। उनके संबंधी भी साथ में जा रहे, अब वो अकेला नहीं जा रहा है। स्वश्रुम प्रष्टुम मनः कांक्षित, ऐसा लगता है कि ये जो सास है वो बार बार क्रोध कर रही है। स्वश्रुम प्रष्टुम मनः कांक्षित स्वश्रुम क्रोध मूर्छितम संपर्क स्वामिनो वांछित नूनम संक्रमितो वेदना। तो बात ऐसी है कि जो लेनदार होता है उसको छूने का मन हो जाता है। उत्तमरण गृहम जातः कोरोना रोग पीड़ितः
नूनम भारो धरित्या ही नूनो न्यूनो जातो जातो जातोस्ति रोगतः बंधुपि रहितम नास्ति स्वर्ग स्थानम च भाग्यतः। अब भाग्य ऐसे हो गए कि संबंधी भी साथ में आ गए। नरके जन संवर्दो जातो रोग प्रसादतः सम विभक्तम दुखम सर्वम बंधुपि स्वजनिस्तथा। पहले कालिदास ने ऐसा कहा था कि स्निग्ध जन सम विभक्तम दुखम सह्य वेदनम भवति, किंतु अब तो दुख भी बंट गया है सभी में। स्वल्पस्य विक्रय त्यक्त्वा महतो विक्रयी यम। यम है वो रिटेल शॉपिंग कर रहा बेच रहा था, उसके बजे अब उसका होलसेल हो गया है। स्वल्पस्य विक्रय त्यक्त्वा महतो विक्रयी यम पत्नीषु वर्धते स्नेह प्रियाणां विरहे मनः पित्रोश्च शुश्रूषा कार्यन्ते हि राजद्वारे श्मशाने च यः तिष्ठति स बान्धव इति विस्मृत्य रोगिणां सम्मुखं याति कोऽपि नः। अब तो कोई आता नहीं, स्मशान में भी कोई आने वाला नहीं है। स्मशाने सेवका द्वित्वा द्वित्रा अंत्येष्टि कर्मणि स्थिता रुग्णयानम विलोक्येव पलायन्ते पतिव्रताः। पतिव्रताए भी रुग्णयान देखकर एम्बुलेंस देखकर पलायन कर जाती है। अंतिम पंक्ति है, एकाकी वास उद्विग्नम चित्तम इच्छन्ति इच्छति स्वेच्छया स्वर्गवासम पुनः कर्तुम निवस्तुम बंधुभिः स्वद स्वसह। आभार, धन्यवाद, प्रणाम। नायक धन्यवाद अर्पयामि महंतम हर्षदेव माधव महाभागम। नाउ इट्स अ टर्न ऑफ श्री डीवी नरसिम्ह दीक्षित जी। डॉक्टर डीएन दीक्षित जी, हु इज एन एमिनेंट पोएट, प्रोलिफिक कमेंटेटर इन संस्कृत लैंग्वेज, राइट्स इन बोथ द संस्कृत, तेलुगु एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस, हैज ऑथर्ड 7 संस्कृत बुक्स एंड 4 ट्रांसलेशन बुक्स सो फार। He presented 80 research papers so far at various seminars and conferences, delivered more than 200 lectures in Akashvani on various literary and spiritual aspects. He has given a critical commentary on Brahma Purana that was telecasted through SVBC channel in 42 episodes. He was bestowed with many awards. Some of them are Sahiti Ratnakara in 2005, Dr. Prasad Rai Kulpati Puraskara in 2010, Kanchi Kamakoti Peeta Sahitya Puraskar in 2010 and Andhra Pradesh State Best Teachers Puraskar in 2016. Now, may I request Dr. D.N. Dikshit Ji to present Sanskrit poetry. Dr. D.N. Dikshit Ji. Sahitya Rasagnebhyaha Samskruta Premibhyaha नमांसि भूयांसि। केंद्र साहित्य अकादमी परिकल्पिते अस्मिन् अत्यंत सुंदरे सुमधुरे च साहित्य मंचे अहम् मम कवितां श्रावयितुम् इच्छामि। एतत् महाभाग्यम् केंद्र साहित्य अकादमी निर्वाहकेभ्यः मम धन्यवादान् समर्पयामि। धन्यवाद। इदानीं प्रपंचे सर्वत्र करोनां विहाय न कोऽपि कार्यक्रमः प्रचलति, श्रूयते च न दृश्यते च। तस्मात् साहित्य मञ्चे अपि करोनायाः प्रस्तावः समुचितः सन्दर्भोचितश्च इति मम अभिप्रायः। करोना इति तथैव कोविड् इत्यपि तत्र सर्वत्र च श्रूयते। इदानीं मम कविता अपि कोविदोपदेशः, कोविड् इत्यस्यैव कोविदः इति चमत्कृतं। संस्कृतभाषायां कोविदः नाम निपुणः पण्डितः इति, किं नवेत्ति इति कोविदः इति गुरुबालप्रबोधिकया तत्र व्युत्पत्त्यर्थः दत्तः, तस्मात् कोविदः पण्डितः। कोविदस्य उपदेशः कोविदोपदेशः, तथैव कोविद् इत्यस्य व्याधिरूपस्य अस्य महम्मारी सूनोः उपदेशः इत्यपि अर्थेन अहं कोविदोपदेशं श्रावयितुम् इच्छामि। इदानीं सर्वत्र प्रपञ्चे युद्धवातावरणं दृश्यते।
विचित्र युद्धमत्र रेधरातले प्रवर्तते इदं युद्धं विचित्रं वर्तते विचित्र युद्धमत्र रेधरातले प्रवर्तते क्षणी क्षणी कणी कणी भयंकरं प्रवर्धते विचित्र युद्धमत्र रेधरातले प्रवर्तते क्षणी क्षणी कणी कणी भयंकरं प्रवर्धते अस्य वैचित्र्यं किम् अगोचरेण चक्षुषा तत्र शत्रुः चक्षुषाम् अगोचरः अगोचरेण चक्षुषां वरेण विद्विषां विनायुधेन यो विजृंभते विस्रंभते आयुधेन विना विजृंभते विनायुधेन यो विजृंभते विस्रंभते विनाश हेतु वैरसी कुटुंब शेखरेण वैरस्यत्यस्यैव वैरसी इति रूपम् विनाश हेतु वैरसी कुटुंब शेखरेण कोविदेन तेन प्राणहरण कोविदेन चित्रम विचित्र युद्धमत्र रेधरातले प्रवर्तते कोविदेन इति प्रथम पदेन कोविद इत्याख्येन व्याधिना इति प्राणहरण कोविदेन प्राणहरणे कोविदः एषः शत्रु विचित्र युद्धमत्र रेधरातले प्रवर्तते अनेक कोटि मानवालि संकुलं जगत् अनेक कोटि मानवालि संकुलं जगत् अहो महोग्रमारि सूनुना कणल्पकेन चित्रं कराल विक्रमेण युध्यते करोन नामकेन वैरिणा एषः शत्रुः एकः एव परन्तु तेन समस्तं जगत् युध्यते एतदेव वैचित्र्यं सः शत्रुः अपि कणाल्पकः अत्यन्तसूक्ष्मः तेन युद्धम् अनेककोटिमानवालिसङ्कुलं जगत् अहो महोग्रमारिसूनुना मारेः सूनु अहो महोग्रमारिसूनुना कणल्पकेन चित्रं करालविक्रमेण युध्यते करोन नामकेन वैरिणा विचित्र युद्धमत्र रे धरातले प्रवर्तते सदैव निःस्वनं निवृत्तिकारणा युद्धं नाम तत्र संकुलं भवेत् ध्वनि समूह भवेत् परन्तु सर्वत्र निशुद्ध वातावरणं कस्मादि चेत् निरोधः निवृत्तिः सर्वे अपि गृहेषु एव वर्तन्ते तत्र वाहनानि न चलन्ति कार्याणि न चलन्ति तदैव निस्वनं निवृत्तिकारणात् अनून निश्चलं गृहेषु बन्धनात् गृह निर्बन्धः लाक्डौन् तस्मात् अनून निश्चलवासे एव एकान्तवासीय सदैव निःस्वनं निवृत्तिकारणात् अनून निश्चलं गृहेषु बन्धनात् प्रतिप्रहार एव नात्र विद्यते यतो न लक्ष्यते विलक्षणो विपक्षः प्रतिप्रहार एव नात्र विद्यते यतो न लक्ष्यते विलक्षणो विपक्षः अत्र प्रतिप्रहारः एव न विद्यते सर्वे अपि तत्र प्रतिप्रहारं विना युध्यन्ति कस्मादि चेत् शत्रुः न लक्ष्यते तस्मात् एतत् वैचित्र्यम् अस्य युद्धस्य युद्धे अपि नियमाः सन्ति केचन परन्तु अत्र नियमविरुद्धं युद्धं प्रवर्तते प्रतिश्रवैर्विरुध्य युध्यति करो न शात्रवो प्रतिश्रवैर्विरुध्य युध्यति करो न शात्रवो विनैव सूचनां रणाय क्रामति अत्र सूचनाः न भवन्ति कस्मादि चेत् तत्र करोना व्याधेः सिम्टम्स् न लक्ष्यन्ते
सः निःशब्दम् आयाति निःशब्दम् मारयति विनैव विनैव सूचनां रणाय क्रामति हिनस्ति बालकंश्च पल्लवोपमान् दयां विसृज्य शीर्ण जीर्ण मानवान् युद्धे नियमः अस्ति बालान् तथैव वृद्धान् स्त्रियः सर्वजनान् तान् विहाय युद्धं करणीयम् परन्तु अत्र तः नियमः नास्ति हिनस्ति बालकंश्च पल्लवोपमान् दयं विसृज्य शीर्ण चिन्न मानवान् विचित्र युद्धमत्र रेधरातले प्रवर्तते समान तत्र दर्शितारिणा अत्र समानत्वम् अपि निर्वहति सः समान तत्र दर्शितारिणा कथम् न मुच्यते विशाल विश्वपालकोऽपि महाभाग समापनं करोति न मुच्यते विशाल विश्वपालकोऽपि न मुच्यते विशाल विश्वपालकोऽपि न सेवको न चेश्वरो न निर्धनो न वा समग्र वैद्यशास्त्रसारविद् विचित्र युद्धमत्र रे प्रवर्तते सर्वेषु सर्वे अपि जनाः तत्र प्रभुम् आरभ्य सेवकपर्यन्तं पामरम् आरभ्य पण्डितपर्यं सर्वे अपि करोना बाधिताः एव तत्र देशप्रधानमन्त्रिणः राजानः सर्वे अपि अस्य व्यूहचातुरी अत्यद्भुता न चोहितुं तु शक्यते परस्य व्यूहचातुरी न चोहितुं तु शक्यते परस्य व्यूहचातुरी धिक् वुहान जन्मनो वुहान प्रदेशे जातः एषः वुहान वुहा इत्यनेन चमत्कारेण तस्य व्यूहचातुरी अपि ऊहितुं न शक्यते न चोहितुं तु शक्यते परस्य व्यूहचातुरी धिक् वुहान जन्मनो विनाशकर्मणः समस्तदेहिनां समस्तदेहिनां च दूषिकाकफादिकं मलाधमं वलम्ब्य विविक्षतोऽन्तः एषः कथं प्रविशति देहिनाम् अन्तः इच्छेत् दूषिकाकफादिकं मलाधमम् अवलम्ब्य सः प्रविशति अस्य व्यूहचातुरी न चोहितुं तु शक्यते परस्य व्यूहचातुरी सुदुर्भरेऽपि शीतले महोष्णता सुतप्तभूतले समीरवीचिकास्वपि व्याप्य लीलया बाधतेऽखिलम् न चोहितुं तु शक्यते परस्य व्यूहचातुरी सुदुर्भरेऽपि शीतले महोष्णतासु तप्तभूतले तस्य शीतल शीतता भवतु उष्णता भवतु वायुवपि सः व्याप्नोति एषा वैरसी रणे अरातिरेषः भयं प्रकल्प्य शिक्षति वरं हरे सुदूरवर्तनं परस्पराभिवन्दनम् अतीव सुन्दरम् एषः भयं प्रकल्प्य शिक्षति रणरङ्गे रणे अरातिरेषः भयं प्रकल्प्य शिक्षति वरं हरे सुदूरवर्तनम् फिजिकल् डिस्टेन्स् परस्पराभिवन्दनम् अतीव सुन्दरम् पदौ करौ मुहुर्मुखारविन्दमक्षिणी क्षालया क्षालयात्मनो भृशम् अरे अरे सुदूरवर्तनं वरं रणेयरातिरेषः प्रकल्प्य शिक्षति निजस्य नासिका सुरक्षकं छदम् मास्क् निजस्य नासिका सुरक्षकं छदं धरन्तु सर्वदा गृहे वसन्त्वनारतं कुटुम्बजीवने रतिं कुरु शुचिर्भवौ जसा निरामयो भव एवं शिक्षति एषः अरातिः त्यजन्तु भेदभावनां त्यजन्तु भेदभावनां
भजन्तु भ्रातृता उपकृतिं समाचरन्तु सर्वदा न कोऽपि दुःखभक् भवेत् धरातले शान्तिरेव शान्तिरेव शान्तिः। धन्यवाद धन्योऽस्मि महाभागा, नैक धन्यवाद अर्पयामि डॉक्टर डी एन दीक्षित महाभागाय। नाउ इट्स द टर्न ऑफ प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह जी। Dr. Prasoon Dutta Singh Ji, who is an eminent critic, poet and scholar of Sanskrit language, has authored 7 books and edited 5 books so far. More than 27 articles have been published in referred and peer journals and participated in 29 national and international seminars and conferences so far. He has completed 3 research projects so far. He was bestowed with the Sanskrit Bhushan Samman by National Uttar Pradesh Sangha Jamshedpur. Presently, he is discharging his duties as a head of the department, a professor in the Department of Sanskrit, Mahatma Gandhi Central University, Motihari, Bihar. Now, may I request Professor Prasoon Dutta Singh Ji to present the Sanskrit poetry. Professor Prasoon Dutta Singh Ji. Ji. Dhanyavad. Dhanyavad. सबसे पहले तो मैं अपने अत्यंत आदरणीय अग्रज प्रोफेसर हर्ष माधव जी और श्रीमान श्री बी एन दीक्षित जी को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं और साहित्य अकादमी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे एक अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी कविता आपके मंच से प्रस्तुत कर सकूं। हम सब जानते हैं कि आज हमारा देश और पूरा विश्व ही एक भयंकर महामारी के प्रकोप में है और हम सब उससे निवरने का, उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज हमारे देश के सामने जो सबसे बड़ी संकट है वह यह है कि हम कैसे आत्मनिर्भर बने, हम कैसे जो है तमाम तरह की जो आपदाएं हैं उससे बाहर निकलें और अपने देश को, अपने समाज को प्रगति के पथ पर फिर से अग्रसर कर सकें, ला सकें। मुझे प्रधानमंत्री जी का आह्वान याद आ रहा है कि उन्होंने पूरे देश को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। मेरी कविता शिखरनी छंद में है और कहीं ना कहीं आज हमारी हमारी जो भी समस्याएं हैं उन्हीं समस्याओं को छूती हुई हमारी यह कविता है। मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। कविता का शीर्षक है आत्मनिर्भरा भवेमा। अवश्य समस्या भी स्त्रस्ते जगति निखिले संप्रति सखे, समस्या भी त्रस्ते जगति निखिले संप्रति सखे, अहो किम किम ब्रूमो नहि समुचितः शब्द निकरः, अहो किम किम ब्रूमो नहि समुचितः शब्द निकरः, क्वचिद्हारोगाणां प्रबलतम कोपः प्रसरति, अतिक्रांता सीमा भवति परराष्ट्रैर्हिमगिरौ, अतिक्रांता सीमा भवति परराष्ट्रैर्हिमगिरौ, वयं निष्ठावन्तो धृतिमति युताः कौशल पराः, वयं निष्ठावन्तो धृतिमति युताः कौशल परा, स्वयं नैर्भयं स्यात् प्रतिपदमहो उज्ज्वलमिह, स्वयं नैर्भयं स्यात् प्रतिपदमहो उज्ज्वलमिह। अब क्या करने की आवश्यकता है, अभी किस प्रकार की सावधानी हमें चाहिए, तो मुखम
मुखम्बास्त्रैनैवम् भवतु परिवृत्तं प्रथमतः करौ वारं वारं क्रिमिहनन कर निर्मलतमौ बिना कार्यं बंधो नहीं बहिरहो गच्छ नगरम् गृहे तिष्ठन्तो भो स्वकुशलतया कार्य गृहजम् वयं कृत्वा नूनं विविध विधिभिः कर्म सकलम् स्वदेशं रक्षित्वा भुवि विजयिनः श्यामसुमतम् धन्यवादः बहवः धन्यवादान् अर्पयामि प्रोफेसर प्रसूददत्त सिंह महाभागाय साहित्य अकाडेम्याः परमादरणीय सचिव महोदयः डॉक्टर के श्रीनिवासराव महाभागपक्षतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः एकवारं नैक धन्यवादान् अर्पयामि अस्मिन् करोना संकट महामारेः संकटकाले अन्ते एव वक्तुं शक्नोमि यत् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति सं जयति नमः